आइए बात करते हैं कि अपने नेवल चक्र को यानी कि नाभि के ऊपर अगर रेकी हीलिंग की जाए तो हम कौन कौन से रोग निकाल सकते हैं और उसका क्या तरीका है, आइए आज इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। नेवल चक्र हमारी नाभि पर स्थित है। आध्यात्मिक और भावनात्मक रुकावटों को निकालने और नकारात्मक सोच और दर्दों को कॉर्ड कटिंग की सहायता से नेवल चक्र अपना मुख्य कर्तव्य निभाता है। ओसीडी रोग नेवल चक्र द्वारा रेकी हीलिंग अपनी भूमिका आश्चर्यजनित रूप से निभाती है। यदि हम अपनी एक हथेली नाभि के ऊपर रखकर रेकी हीलिंग करें तो यह शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रोगों से छुटकारा दिलाती है, क्योंकि इसके ठीक ऊपर सोलर प्लेक्सस चक्र यानी मणिपुर चक्र है और ठीक नीचे हारा चक्र यानी स्वाधिष्ठान चक्र है। तो हम इस तरह तीनों चक्रों को एक साथ हीलिंग से देकर उनके द्वारा अनेक रोग निकालते हैं। जैसे मणिपुर चक्र की हीलिंग से पाचन रोग, अल्सर्स, कोलाइटिस, लिवर डिसऑर्डर्स, हेपाटाइटिस, आर्थराइटिस, पेप्टिक अल्सर, गॉलस्टोन, डायबिटीज़, कब्ज, पीठ और कमर की तकलीफ और भूलने की बीमारी आदि ठीक होते हैं। भावनात्मक दोष जैसे नर्वसनेस, सार्कास्टिक होना, डिप्रेशन, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, ईर्षा, चुगली, भय, मोह, घृणा आदि के भाव दूर होते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र की हीलिंग से यूट्रस के फाइब्रॉइड्स, ओवरी के सिस्ट, फर्टिलिटी प्रॉब्लम, ब्लड कैंसर, ड्रग अब्यूज़, लो बैक पेन, मूत्र रोग, मसल क्रैम्प्स, अस्थमा, एलर्जीज, शियाटिका, लिवर, किडनी और पैनक्रियाज के रोग आदि दूर होते हैं। साथ ही भावनात्मक दोष जैसे घमंड करना, क्रूरता, आलस्य, तोड़फोड़ की भावना आदि दूर होती है।